श्रीमती सविता गैरोलॉजी हैं और जानना चाहेंगे कुल मिला के जो पूरा साल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे साल को लेकर के। ये जो हर साल वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, इस साल की यदि मैं बात करूं तो खास तौर पर क्या हटके रहा है आपकी नज़रों में? कुछ बच्चों ने कुछ नया सीखा है, क्या बोलेंगे आप ओवरऑल? रामचंद्र नियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के ये जो दो दिन का जो वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और छात्र संघ समारोह, इसमें क्योंकि तीन साल से कोरोना जो पीरियड चल रहा था उसके कारण छात्र संघ समारोह नहीं हो पाया था, छात्र संघ भी नहीं बना था। इस वर्ष 22-23 का जो छात्र संघ बना है तो उसके बाद इसीलिए हमने, क्योंकि हर वर्ष क्योंकि सांस्कृतिक समारोह तो होता ही है। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, यदि मैं इस साल की बात करूँ, कोरोना काल रहा उसके बाद ये सब हुआ है, ये इस घटना चक्र के लेके कुछ बोलेंगे आप? नहीं, जो भी कार्यक्रम बच्चे कर रहे हैं सारे, मतलब महाविद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, कोई रंगोली कर रहा है, कोई मेहंदी में भाग ले रहा है, भाषण प्रतियोगिता है, एक्स्ट्रापोर है, उसी समय उनको विषय बताया जाता है और वो अपने प्रतिभा को, जो उनकी प्रतिभा है उसको वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों के एक अच्छा पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो भी महाविद्यालय में होनी चाहिए, वो उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। क्या मानती है, ऐसा भी कई जगह पर देखने को मिलता है जो लड़का लड़कियां पॉलिटिक्स में आते हैं या जो राजनीति करते हैं वो ज़्यादा कामयाब आगे नहीं हो पाते, क्या मेरी बात से सहमत हैं? पॉलिटिक्स जैसे कॉलेज में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? नहीं, पॉलिटिक्स एक स्वस्थ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, आपस में मिलजुल कर। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग समूह संगठन और पता चल रहा कि महाविद्यालय में अव्यवस्था हो रही है, वो वाली स्थितियां नहीं होनी चाहिए। जो भी है वो महाविद्यालय के विकास के लिए, जो भी काम कर रहे हैं वो महाविद्यालय विकास के लिए। बहुत धन्यवाद। ये थी प्राचार्य RCPG कॉलेज उत्तरकाशी। जब मैंने पूछने का प्रयास किया कई पॉलिटिक्स को लेकर के भी, तो अच्छा खासा जवाब दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। महेश बोगना, भारत 24, उत्तरकाशी।